बॉलीवुड की हर खबर के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन और जुड़े रहिए व्हाट्सअप बॉलीवुड के साथ। हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्रेया और आप देख रहे हैं व्हाट्सअप बॉलीवुड। वह शेखर सुमन के बेटे अध्ययन सुमन का टीवी एक्ट्रेस मायरा शर्मा के साथ ब्रेकअप हो गया है, लेकिन हर सेलिब्रिटी ब्रेकअप की तरह इनका ब्रेकअप भी पब्लिक हो गया है, जहां मायरा मिश्रा ने अध्ययन सुमन के बारे में कई सारे शॉकिंग खुलासे किए हैं और साथ ही साथ अपने ब्रेकअप के बारे में कई शॉकिंग बातें कही हैं। वेल, जैसे ही मायरा ने इस इंटरव्यू में ये सारी बातें कही, अध्ययन सुमन ने एक पोस्ट करके इन सारी बातों पर अपनी सफाई दी है। आखिर क्या चल रहा है इनके ब्रेकअप में, आइए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं पूरी डिटेल। आपको बता दे, अध्ययन की गर्लफ्रेंड रह चुकी मायरा ने खुद इस बात को इंटरव्यू में कंफर्म किया कि अध्ययन के साथ उनका ब्रेकअप हो गया है। अब अध्ययन का भी मायरा के स्टेटमेंट पर रिएक्शन सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि वो अपनी पुरानी गलतियों से सीख ले रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मायरा के साथ अपने रिलेशनशिप के बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। बता दें, इन सबकी शुरुआत तब हुई जब सबसे पहले मायरा मिश्रा ने अध्ययन के साथ अपने रिलेशनशिप के बारे में कुछ शॉकिंग खुलासे किए। उन्होंने कहा, हाँ, हम नवंबर में अलग हो गए थे। हालांकि अध्ययन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर जो ब्रेकअप की स्टोरीज पोस्ट की थी, मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगी कि वो मेरे लिए नहीं है, वो उनके गाने के लिए थी। मायरा मिश्रा ने आगे बताया, मैं इस रिश्ते के लिए काफी गंभीर थी और सोचा था कि ये रिश्ता हमेशा चलेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। इतना ही नहीं, मायरा ने एक्टर पर आरोप लगाते हुए कहा कि अध्ययन पूरी तरह से बदल गए हैं। मायरा बताती हैं कि हमारे बीच वो बात नहीं बन सकी जिसकी मुझे उम्मीद थी। मुझे जिस अध्ययन से प्यार हुआ था, वो एक दूसरे ही आदमी थे। जब मैं उनके साथ रहने लगी तो वो बिल्कुल अलग निकले, जैसा मैंने कभी नहीं सोचा था। उन्होंने आगे कहा, हमारे बीच काफी कम्युनिकेशन गैप था। हम लोगों के बीच लगभग 2 महीने तक बात ही नहीं हुई, क्योंकि मैं अपने टीवी शो में बिजी थी, जबकि अध्ययन सुमन अपने शूट में बिजी थे। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि अभी मैं इंडस्ट्री से संबंधित किसी आदमी से प्यार नहीं करना चाहती हूँ। मायरा मिश्रा के ब्रेकअप वाले खुलासे के बाद अध्ययन सुमन ने ट्वीट करते हुए इसके बारे में बात की है। अध्ययन सुमन ने कहा, इस स्टेज पर सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं सभी महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूँ, अपनी माँ, बहन, क्लोज फ्रेंड और उनका भी बहुत सम्मान करता हूँ, जिनके साथ मैंने कुछ बहुत अच्छी मेमोरीज शेयर की हैं। मेरी परवरिश मुझे सार्वजनिक रूप से अपने रिश्तों को उजागर करने की अनुमति नहीं देती है। मैं अपनी पिछली गलतियों से सीखना चाहता हूँ और इस स्टेज पर किसी से कुछ भी नहीं कहना चाहता हूँ। मेरा पूरा फोकस अपने काम पर है जो पब्लिक डोमेन में है। मैं बहुत जल्द अपने नए गाने को रिलीज करने के लिए एक्साइटेड हूँ। मैं आपसे मेरी और मेरे परिवार की प्राइवेसी का सम्मान करने का अनुरोध करता हूँ। तो कुछ इस तरह से अध्ययन ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड मायरा के खुलासे के बाद सफाई दी है। वेल, वी होप कि अध्ययन सुमन और मायरा मिश्रा अपने ब्रेकअप को थोड़ा मैच्योरली हैंडल करें और अपनी लाइफ में मूव ऑन कर सकें। इस पूरे मामले के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में हमें जरूर बताइए और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए व्हाट्सअप बॉलीवुड।